बहनों, हम आज सीखने जा रहे हैं सारे के सारे आधे अक्षर। ब आधा बा, ल आधा ल, म आधा म, न आधा न, प आधा प, स आधा स, ट आधा ट, ठ आधा ठ, फ आधा फ, क आधा क। अरे तू अभी तक कैसे बैठा है? पसीना तो सूख जान दे अम्मा। अरे बेटा जल्दी से तैयार हो जा, सुधा का ब्याह है, काम काज में हाथ बटाना है कि नहीं? अरे मुझे कितनी देर लगेगी अम्मा, तू जा, मैं नहा धोके अभी आता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, हाँ। वो आलू की तरकारी और पूरी बनी रख लिए, खा लीजो। अरे अम्मा तू जा, मैं उठा नहाया और पहुँचा। ठीक है। अब देखिए आधे अक्षर कैसे बनते हैं। ब का डंडा हटा के बनाया आधा ब, इसी तरह ल के डंडे को हटा के बनाया आधा ल। डंडे वाले अक्षरों में डंडा हटा देते हैं, जैसे म का डंडा हटा के बनाया आधा म, न का भी डंडा हटाया और बन गया आधा न, प पा का डंडा हटा के बनाया आधा प, और इसी तरह स का भी डंडा हटाया और बन गया आधा स। अब गोलाई वाले अक्षर देखें, ट के नीचे लगाई एक लकीर और बन गया आधा ट, इसी तरह ठ के नीचे भी एक लकीर लगा के आधा ठ बनाया, ह का फल काट के बनाया आधा फ, और इसी तरह क का फल काट के बनाया आधा क। ये तो बता, दहेज कम है ना? क्यों? ठीक तो है। ये सुना है इसके ससुराली बड़े लालची हैं। हाँ मौसी, तो मेरे को भी लग रहा। उनकी चिट्ठी आई थी ना, क्या पता कोई नगद लेन देन हो। पर एक बात है मौसी, बिशन चाचा लाएगा कहाँ से? बेचारा गरीब आदमी। बारात आ गई, चल एक बात बता सुधा, अगर तुम्हारे ससुराल वालों ने दहेज की मांग की तो? मैं इस मामले में कुछ बोल तो नहीं सकती बहन जी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप मेरी ओर से सबको एक बात बता देना। क्या बात? अगर पिताजी ने उनकी कोई भी मांग पूरी की, बर्तन और कपड़ों के अलावा कुछ और भी दिया, तो चाहे जो भी हो मैं टोली में नहीं बैठूंगी।
प्याज प य आ का डंडा और ज पा का स्वर आधा करने के लिए इसका डंडा हटाया, बन गया प्याज। प य आ का डंडा ल आ का डंडा, इसमें भी प आधा करने के लिए उसका डंडा हटाया, प्याला। ये है चप्पल, च प प का डंडा हटा के इसे आधा किया, ये पूरा प ल चप्पल। ये क्या बना? अरे ये तो चम्मच है। च म माँ का डंडा हटा के इसे आधा किया, ये पूरा माँ च चम्मच। फिर से पहचान गई ना? उ ल ल बड़े उ की मात्रा, पहले ल की आवाज आधी करने के लिए इसका डंडा हटाया, बन गया उल्लू। म च छ र मच्छर, च का स्वर आधा करने के लिए इसका डंडा हटा के छ के साथ मिलाया, मच्छर। मच्छर रुके हुए पानी में पैदा होते हैं और मलेरिया फैलाते हैं, इसलिए सड़क पर गड्ढों में पानी ना जमा होने दो। मच्छर। समधी साहब, मैंने आपको अपने खत में बिल्कुल साफ साफ लिख दिया था। हमने जवाब दे दिया था समधी साहब। देखिए, मैंने आपसे कोई मांग तो नहीं की, फिर भी आपको कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल तो रखना चाहिए था। जितनी मेरी हैसियत थी उतना कर दिया। जानते हैं आपकी इस हट का नतीजा क्या होगा? बारात वापस चली जाएगी, आपकी लाडली बेटी पूरे गांव भर के अंदर बदनाम हो जाएगी, कोई उससे शादी तक नहीं करेगा। नहीं नहीं समधी साहब, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सारे गांव में मेरी रुसवाई हो जाएगी, मेरी इज्जत आपके हाथ में। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप जल्दी से 10,000 रुपए का नकद इंतजाम कर लीजिए। कहां से लाऊं इतना रुपया? ये मैं नहीं जानता, किसी से उधार ले लीजिए या फिर अपने खेत बेच डालिए। कौन देगा इतनी जल्दी? हाँ, अगर तुम मुझसे वायदा करो तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे सकता हूँ। इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे 10,000 रुपया मिल जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे घर वापस भेज दूंगा। समधी साहब, मुझ पर दया करो, मैं गरीब आदमी हूँ। समधी साहब, मुझ पर दया। मैं कुछ नहीं कर सकता। समधी साहब, अरे वाह, ये है भुट्टा। भ भ के नीचे छोटे ऊ की मात्रा, आधा ट और पूरा ट और आ का डंडा, भुट्टा। ये है उस्त्रा। अरे ये क्या हुआ? उ स त र आ, असा का स्वर आधा करने के लिए हटाया इसका डंडा, उस्त्रा। ये है लैंप। ल ल पे ऐ की मात्रा, म मा का स्वर आधा करने के लिए इसका डंडा हटाया, बन गया आधा म, और प लैंप। र र पे छोटे ई की मात्रा, क श आ का डंडा, का फल काट के बनाया आधा का रिक्शा, वो देखो वो जा रहा है रिक्शा। इनकी ये मांग बहुत गलत है, ये तो नारी जाति का अपमान है। ब्याह की बेटी से बारात का उठना, ये बड़े अपमान की बात है, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा कुछ नहीं है सरपंच जी,
मैं तो ये कहता हूँ ये रिश्ता जोड़ना ही अपने आप में अपमान की बात है। तो मैं उनसे बात करूँ? ना, वो ना मानेंगे, बहुत धर्मी है, बेकार में आपका अपमान होगा। हमें सुधा की भावना का आदर करना चाहिए। हाँ हाँ, चाहे बारात वापस ही क्यों न चली जाए। मौसी, तुम चुप क्यों बैठे? कुछ बोलो ना। मुझसे कोई पूछे तब तो बोलूं। मौसी, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत पड़ गई? ठीक है, मेरा फैसला क्या है ये मैं भरी सभा में सुनाऊंगी। छोटू की मात्रा आधा ट ता आ का डंडा भुट्टा ल आधा ठा ठ आ का डंडा लट्ठा द आधा फा त र दफ्तर छोटा उ आधा ला ट आ का डंडा उल्टा च आधा पा ब ला चप्पल। हटो बेटा। सुनो भाइयों, ये हमारे मेहमान जो हमसे नाता जोड़ने आए हैं, इन्होंने बिशन से मांग की है कि इन्हें 10,000 रुपया दिया जाए नकद, और इन्होंने धमकी भी दी है कि अगर इनकी मांग पूरी ना की तो ये बारात वापस ले जाएंगे। हम सब लोगों ने ठंडे दिमाग से विचार किया, इसको खूब सोचा समझा, और अब हमने सोचा ये है। उठे करम जले। अरे अरे मौसी, किसी और बाजार में जाके बिक ना, चाहिए हमें ये खोटा माल। ऐसे खोटे माल के गाहक हम ना है। ये तो हमारी सरासर बेइज्जती है। अरे बेइज्जती उसकी हो जिसकी इज्जत हो। ले जाओ अपने खोटे सिक्के को। चलो भाइयों, हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। चल बेटे, चल, चलो, देख लेंगे। तो अनर्थ हो जाएगा मौसी, सुधा का क्या होगा? अरे सुधा का क्या होगा, उसका ब्याह होगा आज किसी वक्त। किससे? वो देख, उससे, वो खड़ा है मेरा पूत प्रेम सिंह। तू धन्य है मौसी, सचमुच में धन्य है। तू वाकई धन्य है मौसी, तेरी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं तुझे प्रणाम करता हूं। मंत्र पढ़ना शुरू करो पंडित जी। हरि ओम पवित्रो पवित्राः अपि गति पवित्रा। बहनों, हम आज दोहराएंगे पिछले हफ्ते के सीखे हुए सारे अक्षर और मात्राएं। ए ण ध उ आधा न आधा ट आधा क औ रि श और आई। एक बार फिर देखें। ए ण ध उ आधा न आधा ट आधा क औ रि श ऐ। आज मैं अंतिम बार सरपंच की हैसियत से आपसे मिल रहा हूं, इसीलिए मैंने आप सबको यहां बुलाया है। मौसी की दिखाई हुई नई राह पर चलने के लिए आइए हम सब एक प्रतिज्ञा करें। अब आप सब मेरे साथ मिलकर बोलें, दहेज लेना और देना, दहेज लेना और देना मानवता के विरुद्ध एक पाप है, मानवता के विरुद्ध एक पाप है। नारी जाति का अपमान है, नारी जाति का अपमान है। आज हम वचन देते हैं, आज हम वचन देते हैं कि न तो दहेज देंगे और न कभी लेंगे, और न तो दहेज देंगे और न कभी लेंगे, और ऐसी किसी भी शादी में नहीं जाएंगे, और किसी ऐसी शादी में नहीं जाएंगे।
जहाँ दहेज दिया जाता हो, जहाँ दहेज दिया जाता हो। जानते हैं ना, इस प के खड़े डंडे को अगर गोलाई से दूर सरका दे तो बन जाता है अक्षर ण। एक उंगली से नीचे को इशारा करते हुए हाथ बिल्कुल अक्षर ए जैसा। छोटा ऊ जो हम पहले ही सीख चुके हैं, इसके नीचे वाली गोलाई को अगर ऐसे घुमाकर बराबर में रख दे तो बन जाता है बड़ा ऊ। ये है बड़ा ऊ। पहचाना? हाँ, ये है कढ़ाई, और कढ़ाई से तो हमने बनाया था अक्षर ड़। ये है अक्षर ड़। इसके नीचे वाली बिंदी को हटा ले तो बन जाएगा अक्षर ढ। के डंडे पर रखी हुई कौवे की खुली चोंच औ की मात्रा, और बस औ की मात्रा से पहले रख दीजिए अक्षर अ, और बन गया अक्षर औ। अक्षर री शायद सबसे मुश्किल अक्षर है। देखो, री का अगला भाग बिल्कुल शेर के जबड़ों जैसा लगता है, और पिछला भाग बिल्कुल दुम जैसा। ये है री। इसका पिछला भाग शेर की दुम जैसा और अगला भाग शेर के जबड़े जैसा। शेर देख के डर तो नहीं रही हो ना?
जी वो आया इस बार मद्रास तू? आहो जी वेखाए असी तमिलनाडु की राजधानी। क्या क्या देखा वहाँ? पहले हमने वेखा संत मरी का चर्च, फिर गए जी फोर्ट म्यूजियम, और उसके बाद वेखा महाबलीपुरम का मंदिर, ऐसे मंदिर के किनारे है जी। ओए पंडित वहाँ हिरन पार्क भी वेखा। मद्रास में दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है। इसके नीचे करीब 3 से 3,500 आदमी आ सकते हैं। अपने भव्य सौंदर्य के साथ है कपिलेश्वर मंदिर, और ये है पुराने नवाबों की बनवाई 2 मस्जिदें। अब देखें सेंट मैरीज चर्च। और देखा फिर सांपों का पार्क, हर तरह के सांप। क्या सांप? भाई डर गया? मगर पंडित हर सांप जहरीला नहीं होता। अच्छा, उसके बाद सैर कितनी मरीना बीच की, और उसके बाद लौट कर बुद्धू घर को आए, पंडित दे ढाबे रोटी खाए। ओ ये है पा, इसके पेट में ये लकीर डाली बन गया शाह। पहचान लिया ना, ये है अक्षर ए। इस पर अगर ए की मात्रा रख दे तो बन जाएगा अक्षर आई। पता है, मैं जब भी अकेली या उदास होती थी तो इसी तालाब के पास आकर बैठ जाती थी। क्यों? ये तालाब मेरे लिए बड़ा ही भगवान है। पता है, इसने तो मेरे नसीब ही बदल दिए। कैसे? लो, तुम ये भी भूल गए? तुम्हें अभी तक वो दिन याद है सुधा? ये भी मैं कभी भूल सकती हूँ? अच्छा सुधा, एक बात बताओ। उस दिन जब माँ ने दूल्हे को उठाकर मुझे बिठा दिया था तो तुमने मना क्यों नहीं किया? भला वो क्यों होता मेरा दूल्हा? सुदामा के घर भगवान आए और वो उसे मना कर दे, ऐसा हुआ है कभी? बातें तो बहुत अच्छी बना लेती हो तुम। अच्छा पता है तुझे गीता बहन जी क्या कहती है? गीता बहन जी कहती है कि मैं स्कूल में सबसे अच्छा पढ़ाती हूँ, कमला से भी अच्छा। सुधा ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब घर चले, मौसी नहीं तो बहुत परेशान हो जाएगी। चलो, ये माँ भी बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। बा
रा छोटी ई की मात्रा ए बड़ी ए ग बड़े ई की मात्रा ट आ का डंडा ना छोटू की मात्रा की टाड़ू औ जा आ का डंडा रा औजार री ना ऋण ठ आ का डंडा ब आ का डंडा ढाबा ये ड़ा बड़े की मात्रा एड़ी री श छोटी की मात्रा रि शिक्षा दे चला के अपनी मंजिल पाना है।